नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अस में। दोस्तों क्या है आज की डिफेंस अपडेट्स, चलिए एक एक करके उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों पे सबसे पहली खबर की अगर बात करते हैं तो वो ये मीडियम मल्टीरोल फाइटर जेट्स को लेकर जो कि 114 की संख्या में भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने थे, लेकिन अब एक अधिकारी ने, एक जो वायुसेना के पूर्व अधिकारी, उन्होंने कहा है कि शायद अब ये परियोजना पूरी तरह से बंद हो सकती है, क्योंकि अब भारत करीबन $17 बिलियन खर्च करेगा इन फाइटर जेट्स को अपने देश में बनाने के लिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि विदेशी खरीद हो या फिर टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर, दोनों में से किसी भी तरीके की प्रक्रिया का इसमें कोई मतलब नहीं रह जाता, और खुद ही 17 बिलियन की जो लागत आ रही है, यानी कि $17 बिलियन की, वो इन्वेस्ट की जाने वाली है अपने देश में इन फाइटर जेट्स को बनाने के लिए। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं, वो सारी बातें आपको जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे अधिकारी ने ये भी कहा है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन्हें कि हम OEM कहते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के जरिए भारत की जो कंपनियां हैं, जो निजी कंपनियां हैं, वो इन पुर्जों का निर्माण अपने देश में करेंगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयात का बिल कम करने के लिए जो हथियार हैं और इसके अलावा जो उपकरण हैं, उनको अपनी ही जो घरेलू कंपनियां हैं उनसे खरीदा जाएगा, और बकायदा इसके लिए एक वो बजट भी एलोकेट करने वाली है। और ये जो बजट के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, वो करीबन ये बजट $17 बिलियन का होगा, क्योंकि बार बार ये शब्द मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अच्छा खासा बजट एक समझ सकते हैं कि आप स्वदेशीकरण के लिए जो भारत सरकार है वो खर्च कर रही है, और इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत लॉन्च किया जाएगा। तो आपको बता दें कि मल्टीरोड फाइटर जेट का जो निर्माण है वो भारत की निजी कंपनियां करने वाली है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि भारत की किसी कंपनी ने अभी तक फाइटर जेट तो बनाया नहीं है, और वो किस तरीके से फाइटर जेट्स बना सकती है अगर उन पर इतना सारा इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी कंपनियां हैं, जो स्वदेशी कंपनियां हैं, वो विदेशी कंपनियों के साथ काम कर रही है, खास करके इसी क्षेत्र में। दोस्तों जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम, अदानी डिफेंस, रिलायंस डिफेंस और भारत फोर्स लिमिटेड, और इसके अलावा महिंद्रा डिफेंस, यानी कि ये सारी जो कंपनियां हैं वो सारी के सारी डिफेंस के फील्ड में इस वक्त कार्य कर रही हैं, और ये विदेशी पार्टनर्स के साथ इस वक्त ज्वाइंट कोलैबोरेशन में भी काम कर रही हैं। दोस्तों जैसे कि आप सबको ये बात भी मालूम है कि जो रिलायंस है वो राफेल के साथ काम कर रही है मिलकर, इनका ज्वाइंट कोलैबोरेशन भी हो रखा है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन के साथ जो हमारी जो टाटा है वो काम कर रही है, और साप के ग्रिपिन के साथ जो अडानी डिफेंस है वो काम कर रहा है, और यही नहीं दोस्तों, उसके अलावा बहुत सारी जो हमारी डिफेंस की घरेलू कंपनियां हैं वो विदेशियों के साथ मिलकर फाइटर जेट्स प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है भारत को अपने स्वदेशी रूप से फाइटर जेट विकसित करने में, कि एक तो इससे भारत की जो ऑपरेशनल क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी, इसके अलावा जो इसके अंदर कंपोनेंट्स लगते हैं, खास करके EW उपकरण, एवियोनिक्स और हथियार, इन सबका जो चयन होगा वो भारत अपने हिसाब से कर सकता है। और इसका एक और फायदा ये होगा कि भारत अपने इन जेट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकता है दूसरे देशों में, क्योंकि विश्वसनीयता के मामले में भारत की जो टेक्नोलॉजी काफी मानी जाती है। दूसरे पहली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने खुद माना है कि POK भारत का है, और ये बात उन्होंने ऑफिशियली अपने एक सरकारी वेबसाइट में प्रकाशित की है, और जिससे एक तरह से खलबली मच गई है, खास करके खुद ही पाकिस्तान के अंदर भी, क्योंकि दोस्तों अभी तक POK को अलग मानने वाला पाकिस्तान अब डर के मारे भारत को ये समझ सकते हैं कि भारत का जो POK है उसको पूरी तरह से वो भारत में ही दिखा रहा है। अब यहाँ पे इमरान की जो टेंशन है वो आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से घबराया हुआ है पाकिस्तान भारत के डर से, कि अब वो मैप में भी खुद के, ये हम नहीं कह रहे कि हमने अपने मैप में कुछ भी किया है, हालांकि हम लोग मानते हैं कि POK हमारा है, लेकिन जो मैप बनाया जाता है अक्सर उसमें कई तरीके के डाउट खड़े होते हैं, लेकिन ये डाउट पूरा कर दिया है पाकिस्तान खुद ने, यानी कि पाकिस्तान ने अपनी सरकारी जो मैप है उसमें शो किया है कि POK पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत ने अभी हाल ही में विरोध भी दर्ज कराया था जब गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वहां पर हमें चुनाव कराने हैं, लेकिन भारत ने इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत के ही अंदर आता है और भारत उसको अपना क्षेत्र मानता है, इसी वजह से वहां पर भारत ने ऑब्जेक्शन भी खड़ा किया। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों चीन की तरफ से आ रही है। चाइना ने अपने रक्षा बजट में काफी बढ़ोतरी की है, और ये कोरोना महामारी के बीच जहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी तरीके से हो चुका है, उस दौरान चीन का ये जो रूप है रक्षा बजट को देखते हुए वो काफी चौंकाने वाला लग रहा है। आपको बता दें कि ये बजट भारत के रक्षा बजट से करीबन 3 गुना ज्यादा बड़ा है, और यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि
हालांकि चीन भारत को देखते हुए अपने रक्षा बजट को नहीं बढ़ाता है, वो रक्षा बजट को बढ़ाता है तो वो अमेरिका को देखते हुए बढ़ाता है। साथ ही दोस्तों उसके आसपास जितने भी दुश्मन देश हैं उनके खिलाफ ही। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेन इन्वेस्टमेंट करने वाला है चीन, वो अपनी सबमरीन्स पे करने वाला है, इसके अलावा जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर है उन पर कर रहा है, और खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी के अलावा भी वो घातक हथियारों पर वो अपने बजट को खर्च कर रहा है। उसने अपनी सेना को कम किया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सेना को उसने कम किया ताकि उस खर्चे का इस्तेमाल वो आधुनिक हथियार खरीदने में कर सके। चीन करीबन 180 अरब डॉलर का खर्चा करने वाला है। जहां भारत की तरफ से ये अभी खबर आई थी कि भारत शायद रक्षा बजट में 40% की कटौती कर सकता है, तो ऐसे में देखते हुए दोस्तों ये हमारे लिए एक चिंता और चुनौती वाली बात हो सकती है, क्योंकि भारत का डिफेंस बजट अगर यहाँ पर कम होता है तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि चीन इस वक्त रेडी है। और आपको मालूम है कि लद्दाख में उसने अपने सैनिक भी तैयार कर रखे हैं, हर तरीके से वो लड़ाई में वहाँ पर मजबूत स्थिति में खड़ा है। लेकिन दोस्तों ये भारत है, ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है जो कि अब हर मुकाबले का जवाब दे सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें रक्षा बजट की दोस्तों बहुत सख्त जरूरत है कि उसको मजबूत से मजबूत बनाया जा सके, ताकि हम लोग हर सेक्टर में पाकिस्तान हो या फिर चीन, दोनों का मुकाबला हम लोग कर सकें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताइवान के लिए एक अलग से रक्षा बजट बनाया गया है चीन के द्वारा, क्योंकि ताइवान पर वो अपना प्रभुत्व जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है और बार बार पंगे ले रहा है वो ताइवान के साथ। और यही वजह है कि दोस्तों यहाँ पर चीन एक आक्रामक रुख अपना रहा है, खास करके ताइवान के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो चीन है वो अपना रक्षा बजट का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो हिंद महासागर और खास करके साउथ चाइना सी के लिए भी खर्च करने वाला है, जहां पर वो अपनी पकड़ को मजबूत करने की सोच रहा है। अब दोस्तों अब यहां पर ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती उभर कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी समझना चाहिए कि अमेरिका जैसे देश को भी एक तरह से चैलेंज कर रखा है चीन ने, और रक्षा बजट में बढ़ोतरी का मतलब आप समझ सकते हैं कि सीधा चैलेंज है अमेरिका को भी, भारत को तो है ही है। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है कि किस तरीके से मुकाबला किया जा सकता है चीन का यहां पर, ये आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। तो सबसे पहले खबर की बात करते हैं तो वो भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनक्लोम को लेकर आ रही है, जिसमें जो दूसरा रिएक्टर था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और खास करके वाइब्रेशन की प्रॉब्लम उसके जनरेटर्स में आई। इसको देखते हुए रूस की एक टीम जो कि 7 सदस्य टीम है वो भारत आ रखी है, और खास करके वो इस चीज में जो रिपेयरिंग होने वाली थी उसका पूरा संचालन देखने, और साथ ही उसमें जो खराबी आ रही है उसकी मेंटेनेंस के लिए वो टीम आ रखी है। साथ ही आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कुडनक्लोम परियोजना जो है ये कम से कम 6 यहाँ पर रिएक्टर बनेंगे, परमाणु रिएक्टर बनेंगे, जिसमें से अभी 2 जो है वो ऑपरेशनल है, जो कि 1,000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें कि 2013 में पहला परमाणु संयंत्र खोल दिया गया था और उसके बाद दूसरे पर भी काम शुरू हो चुका था, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम आई है। लेकिन आपको बता दें कि जो तीसरा और चौथा है उसके लिए काम के लिए जो प्रक्रिया है और खास करके इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ की उसके लिए तय कर दी गई है, और 5वां 6 के लिए जमीन भी देख ली गई है। दूसरे पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के लिए अब करगिल पहुंचना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब अगले महीने से एक महत्वपूर्ण रोड खुलने वाली है। लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से सीधे जोड़ने वाली निमोपोदम दारचा सड़क लद्दाख में भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगी। दोस्तों यहां पर बताना चाहूंगा कि चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान हिमाचल के दराचा के रास्ते पदम और फिर नीमो होते हुए कुछ ही घंटों में करगिल पहुंच जाएंगे, और अगले महीने के अंत तक इसे खोलने की पूरी उम्मीद है। और ये रोड है करीबन 298 किलोमीटर लंबी है, और आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निगरानी कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की, यानी कि कितना अहम ये प्रोजेक्ट हो सकता है, और आने वाले समय में ये भारतीय सेना को और ज्यादा जल्दी पहुंचाएगा इन बॉर्डर्स के एरिया में, जहां पर खास करके चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की तनातनी बनी रहती है। दूसरी अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। जिस तरीके से लद्दाख में चीन की सेना की तैनाती की जा रही है, ठीक अब उसी तरीके से पाकिस्तान ने भी सीमा पर अपनी तोपें और एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स हैं वो लगा दी है। ये एक चौंकाने वाली बात है, आखिर दोस्तों इसके पीछे क्या वजह है ये भी समझ में अभी नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत तो नहीं है, कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हम दोनों एक साथ अगर वॉर करेंगे भारत पर तो इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा और भारत बैकफुट पर आ जाएगा। दोस्तों जो खबर निकल के आई है वो थोड़ी सी चौंकाने वाली है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब यदि कि पाकिस्तान ने सांबा व हीरा नगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सैन्य डिवीजनों को तैनात किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने तोपखाने और कई विमान भेदी तोपें भी वहां पर तैनात की है। हाल ही सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने अप्रैल में LOC से सटे इलाके में गतिविधियां तेज की थी। शुरू में इसे जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को सुनिश्चित बनाने के लिए उसकी रणनीति का हिस्सा समझा जा रहा था, लेकिन अब इस तैनाती में सवाल खड़े किए हैं।
पाकिस्तान तोपखाने को आगे क्यों लेके आया है और 15 दिनों के दौरान उसने नियंत्रण रेखा में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को तैनात क्यों किया। ऐसे में पाकिस्तान की हरकत आप समझ सकते हैं कि बहुत चालाकी वाली हो सकती है। यानी कि दोस्तों, जहां पूर्वी लद्दाख में चीन की गतिविधियां तेज हुई हैं, तो अब धीरे धीरे पाकिस्तान की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। यहां पर बहुत ज्यादा दोस्तों सोचने वाली बात है कि आखिर यहां पर दोनों की मंशा क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, और खास करके आप समझ सकते हैं कहीं ये टू फ्रंट वॉर की तैयारी तो नहीं हो रही है, कहीं ये इस तरीके का माहौल क्रिएट तो नहीं किया जा रहा है ताकि भारत को परेशान किया जाए। और आप समझ सकते हैं यहां पर नेपाल का इशू होना, यानी कि भारत को चारों तरफ से डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि भारत मेन फोकस से हट सके और इसी का फायदा चीन उठा सके। क्योंकि दोस्तों यहां पर भारत कई जगह स्ट्रांग है चीन के सामने बॉर्डर के एरिया में, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है वो पूरा चेंज हो चुका है और भारत के खिलाफ एक तरह से एक हवा बनाई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के द्वारा, इसके अलावा नेपाल के द्वारा और चीन के द्वारा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये कहीं टू फ्रंट लड़ाई की कोई आने वाले आगाज तो नहीं है? आपको क्या लगता है आप जोर मेरे कमेंट सेक्शन में लेकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो अमेरिका को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत को अलकायदा का जो एक आतंकी है जो कि फंडिंग में फंसा हुआ था, जो कि फंड करता था अलकायदा को, जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम है, उसको, यानी कि मोहम्मद इब्राहिम जुबैर जिसका नाम है, उसको भारत को समर्पित कर दिया है। क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे भारत के उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए गए थे कई सारी चीज़ें फंडिंग के और टेररिस्ट फंडिंग के लिए, और ये 5 साल की जेल काट कर आ रखा है अमेरिका से, और इसको अभी हाल ही में भारत भेजा गया है अमेरिका के द्वारा ताकि भारत भी इसके ऊपर कार्रवाई कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि ये वो व्यक्ति है जिसने अमेरिका में रहकर वहाँ की नागरिकता हासिल करी और उसके बाद ये आतंकी संगठनों से जुड़ गया, खास करके अलकायदा से, और उसका बड़ा भाई भी मारा गया था आतंकी हमले में। साथ ही इस व्यक्ति ने खास करके जो आतंकी था जिसका कनेक्शन अलकायदा से था, ये कई जो आपको बता दें कि इस्लामिक कंट्रीज था उनमें घूमता था, और इसने एक अमेरिकन लेडी से भी शादी करी जिसकी वजह से इसको वहाँ की नागरिकता भी मिल गई, और इसने फिर अपना जो जालसाजी थी वो करना शुरू कर दी। और ये खास करके ये फंडिंग का पूरा का अकाउंट मैनेज करता था, इसके सारी डिटेल्स इस वक्त अमेरिका ने खोल के रख दी है और अब इसको भारत भेजा गया है। अभी फिलहाल भारत में भी इसे क्वारंटाइन किया हुआ है, उसके बाद ही इसके ऊपर भारत कार्रवाई करेगा क्योंकि भारत में भी इसके ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, कैसी लगी आपको ये जानकारी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।